कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में मजबूत कंटेस्टेंट एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर एंट्री मारने वाली देवोलीना भट्टाचार्य जी अपने काम से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चाओं में रही। देवोलीना ने जब से अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलासा किया तब से फैंस उनकी शादी और बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इस बीच अब देवोलीना ने अपनी शादी और बॉयफ्रेंड को लेकर बातचीत की है। जी हां, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी को लेकर क्या बातें की है, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि एजाज खान को वर्क कमिटमेंट की वजह से बिग बॉस से बाहर होना पड़ा था। एजाज की जगह तब उनकी प्रॉक्सी बनकर देवोलीना ने एंट्री मारी थी। एक एपिसोड में राखी के साथ बातचीत में देवोलीना ने बताया था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है। देवोलीना के इस खुलासे के बाद फैंस उनके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यहाँ इस बीच उनकी शादी की भी अफवाहें जोरों पर थी कि वो इसी साल 2021 में अपने लविंग बॉयफ्रेंड के साथ शादी रा चालेंगी। जी हाँ, क्या कहा है देवोलीना ने इस पर हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी शादी की अफवाहें झूठी हैं, पता नहीं कौन इन अफवाहों को हवा देता है। हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं काफी लंबे समय से प्लानिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इस साल शादी नहीं करने वाली हूँ, ये महज एक अफवाह। तो देवोलीना आखिर शादी कब करेंगी? इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं साल 2022 तक शादी करूंगी, हालांकि ये किस्मत का खेल है, भगवान जब चाहेंगे तभी मेरी शादी होगी। देवोलीना जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इस बारे में बताने से पहले देवोलीना ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो बहुत ही साधारण इंसान है जिनका जीवन एकदम संभला हुआ है। मैं भी एक साधारण लड़की हूं और सिंपल लाइफ जीना चाहती हूं। फिलहाल फैंस देवोलीना के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। तो आपकी देवोलीना के इंटरव्यू पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम लाइव से। सेफी रिपोर्ट।